रिलैक्सो फुटवेयर और मई 2024 के लिए रिलैक्सो फुटवेयर को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट है 1005 का और एक ब्रोकरेज फर्म इसको सेल करने का भी सलाह दे रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है इसका टारगेट 725 तक जाएगा और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मानना है कि इसको आप होल्ड कीजिए। तो तीनों ब्रोकरेज फर्म का राय तीन तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि रिलैक्सो फुटवेयर को यहाँ पे बाय क्यों करने बोल रहे हैं, सेल भी क्यों करने बोल रहे हैं और होल्ड की सलाह भी क्यों दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उसके पीछे का रीजन। तो अगर ये शेयर आपके पास है तो आपको जानना चाहिए क्यों आप बाय करेंगे, क्यों आप सेल करेंगे और क्यों आप इसको होल्ड करेंगे। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा रिलैक्सो फुटवेयर को सेल करने की सलाह क्यों दे रहे हैं वो जान लेते हैं और टारगेट है 725 का। नंबर वन, लॉस इन मार्केट शेयर। तो इंडिया के अंदर स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में रिलैक्सो फुटवेयर अपना जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे थोड़ा सा लूज करते हुए रिसेंट क्वार्टर में देखने को मिला है और इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे गेनर होते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन है कंपटीशन। इंडिया के अंदर बहुत सारा कंपटीशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, स्पेशली कैंपस जैसे मिर्जा जैसे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे और भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है और दूसरा बड़े बड़े ब्रांड भी यहाँ पे पैदा हो रहा है। तो इसीलिए रिलैक्सो फुटवेयर को रिसेंट कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन झेलना पड़ेगा ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है। तीसरा है मार्जिन प्रेशर। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने के कारण यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर का जो मार्जिन है वो उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन के अंदर दबाव बना रहेगा। तो इसी कुछ कारण के चलते एचडीएफसी सिक्योरिटीज इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 725 का। उसके बाद जो दूसरा सलाह यहाँ पे दे रहे हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा वो है 930 का टारगेट और इसको होल्ड करने की सलाह दे रहा है, यानी कि बाय मत कीजिए, अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे रीजन क्या क्या है। नंबर वन, कैपेसिटी। रिलैक्सो फुटवेयर का जो कैपेसिटी है इंडिया के अंदर वो सबसे ज्यादा है, 19 करोड़ पर एनुअली ये अपना पेयर यहाँ पे सेल करते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है और पर डे के हिसाब से देखेंगे तो 3 लाख कैपेसिटी रिलैक्सो फुटवेयर के पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 10% से नीचे है, तो यहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ करने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रिलैक्सो फुटवेयर के लिए। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो पिछले 12 महीने में रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर प्राइस 12% नीचे गिर चुका है, लेकिन अभी जो इनपुट कॉस्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनिंग होने के कारण जो नियर टर्म फ्यूचर है वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज के साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ भी नजर आ रहा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट को। और मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है कि फ्यूचर में कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट है वो जारी रहेगा। तो इसी कुछ कारण के चलते यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 930 का। तो चलिए अभी जानते हैं बाय करने का क्या क्या रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे बाय करने के सलाह दे रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे दे रहे हैं 980 का। अगर आप दूसरे टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 1005 का टारगेट दे रहे हैं आगे वाले एक साल के लिए शेरखंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कारण है जिसके चलते यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रहे हैं। ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। नंबर वन, रिलैक्सो फुटवेयर रिसेंटली प्रीमियम सेगमेंट को यहाँ पे अटैक कर रहा है। जिस तरह से कैंपस यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रीमियम सेगमेंट में प्ले करते हैं इसीलिए कंपनी का मार्जिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए ग्रो भी वो बहुत ही तेजी से कर रहा है। तो रिलैक्सो फुटवेयर इसको समझ गया है और इसीलिए जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और वहाँ पे जो ग्रोथ है वो और भी तेजी से लाने का वादा भी यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा किया है। तो रिलैक्सो फुटवेयर अपना स्पार्क्स कैपेसिटी को यहाँ पे डबल करने वाला है, जो अभी 50,000 पेयर पर डे का है उसको 1 लाख पेयर पर डे का करने वाला है। और कंपनी का कहना है कि मार्केट के अंदर डिमांड का कोई कमी नहीं है, डिमांड बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स कंपनी पहले बहुत महंगा खरीदता था यानी कि ट्रिपल हो गया था वो यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है और यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंपनी का मार्जिन यहाँ से और भी सुधरने का वादा मैनेजमेंट यहाँ पे कर रहा है। अगर अब ग्रोथ की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस 10% का ग्रोथ दिखाया है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वहाँ पे 24% का ग्रोथ है, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ माना जा रहा है, इसीलिए डिमांड का कोई कमी नहीं है रिलैक्सो फुटवेयर के द्वारा बताया गया है। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियल 2024 का वॉल्यूम ग्रोथ को एस्टिमेट करेंगे तो वहाँ पे 14-15% वॉल्यूम ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलैक्सो फुटवेयर के द्वारा। हालांकि इंडियन जो फुटवेयर सेगमेंट है वो भी 14-15% का ग्रोथ का अनुमान जता रहा है आगे आने वाले 3 साल के लिए। तो यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर का इसी का जो वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ है अगर ये जारी रहता है तो फ्यूचर के लिए रिलैक्सो फुटवेयर यहाँ पे सिक्योर दिखाई दे रहा है। तो इसी कुछ कारण के चलते यहाँ पे बाय की सलाह दे रहे हैं और टारगेट 980 से लेकर 1005 का दे रहे हैं आगे आने वाले 1 साल के लिए। तो अगर इसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो चैनल में जाकर आप वो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।